तो हम स्टार्ट करते हैं सर्कल के क्वेश्चन से आज। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 2x + 3y = 18 एंड सर्कल x² + y² = 25 एंड हैंस फाइंड द लेंथ ऑफ कोर्ड कट। कि भाई इस लाइन ने जो सर्कल को जिस लेंथ की कोर्ड कट करेगा उस कोर्ड की लेंथ भी निकालनी है। तो अब सॉल्व करो इसे पहले अपने आप। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्यूशन। देखो अगर आपके पास में लाइन सर्कल को कट करती है टू पॉइंट्स के ऊपर, तो इन जगहों पर पॉइंट्स पर ये लाइन सर्कल को सेटिस्फाई करेगी। तो लाइन की इक्वेशन हमारे पास है 2x + 3y = 18, देन 3y = 18 - 2x, देन y = 18 - 2x/3। पुट इन इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² = 25। पुट कर दो तो x² + 18 - 2x/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। तो इट इज इक्वल टू x² + 18 का स्क्वायर 325, 18 × 2 = 36, 36 × 2 = 72 एक्स, और प्लस 2x का स्क्वायर इज 4x² / 9 = 25। हमने 9 को एलसीएम लिया तो वैल्यू आ गई 9x² + 4x², इट इज इक्वल टू 13x² - 72x + 324। और इधर 9 एलसीएम आया तो इधर मल्टीप्लाई भी होगा, तो 25 मल्टीप्लाई होती है 225, मैं एक साइड ले गया, इट विल बिकम 0। तो जैसे ही आपने इसको सॉल्व करा इक्वेशन बनी 13x² - 72x + 99 = 0। ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब आप इसको फैक्टराइज करोगे 13x² - 72x + 99 = 0। तो क्या इसके सीधे फैक्टर बन रहे हैं 13x² - 72x + 99? आप श्रीधराचार्य लगा लो तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, मैंने फाइंड कर रखे हैं x - 3 × 13x - 33 = 0। आप श्रीधराचार्य से निकाल सकते हो। तो एक तो x की वैल्यू आ गई है 3 और एक x की वैल्यू आ गई है 33/13। तो आप कैसे x की वैल्यू यहां पर मान लो 3 आ रही है और इधर आ रही है 33/13। तो x की वैल्यू जैसे इसमें 3 पुट करता हूं, 3 × 2 = 6, 13 - 6 = 12/3। तो y की वैल्यू आ गई 4। और ऐसे ही x की वैल्यू जब मैं 33/13 पुट करता हूं तो यहां पर 33/13 पुट कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी 56/13। ये लो सेकंड y की वैल्यू भी आ गई 56/13। a आ गया हमारे पास, b आ गया हमारे पास। अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना होगा, x1 - x2² + y1 - y2² 56/13 - 4² और इसका अंडर रूट। आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो, जस्ट कैलकुलेशन है, ठीक है, राइट डाउन। देखो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था ना उसमें कईयों को लगा श्रीधराचार्य नियम क्या है या रूल क्या है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अपने इंडियन ने दिया हुआ है। इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। तो x होता है -b + -√b² - 4ac/2a। ये फार्मूला हमारे इंडियंस ने इन्वेंट किया था, उनका नाम था श्रीधराचार्य, तो उनके नेम से है। बाकी इसको अलग अलग बुक, कोई परफेक्ट स्क्वायर मेथड, कोई कंप्लीट स्क्वायर मेथड, अलग अलग नेम देती है, बट इसको ज़्यादातर मैं इसी नेम से यूज़ कर लेता हूँ कि अपने इंडियंस का दिया हुआ फार्मूला है, तो उनके नाम से जाना जाए ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो हम नए पॉइंट पर आते हैं, हेडिंग डाल दो आप लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। कट बाय लाइन ऑन सर्कल। देखो हमारे पास में एक सर्कल बना हुआ है, लाइन कट कर रही है, लाइन की इक्वेशन है y = mx + c एंड सर्कल की इक्वेशन है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये अगर ए बी लेंथ का इंटरसेप्ट कट करती है तो आपको ए से बी तक की लेंथ क्या होगी ये कैसे फाइंड करेंगे। वैसे तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है, मैं फार्मूला लिखवा सकता हूँ, पर मैं उस फार्मूले को पहले डिराइव करवाता हूँ ताकि आपको मेथड याद आ जाए कि हमें करना कैसे है। तो देखो सॉल्यूशन या फार्मूले का डेरिवेशन, हमें निकालनी है ए से बी तक की लेंथ। तो प्रोसेस हम क्या करते हैं, आप लोग खुद डिराइव कर सकते हो फार्मूला। चलो मैं फार्मूला में आंसर क्या आने वाला है वो बताता हूँ। टू अंडर रूट ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर, ये ए बी की लेंथ आएगी। आपको इस फार्मूले को डिराइव करना है, इसको एज ए क्वेश्चन ट्रीट कर सकते हो आप, जबकि मेरे पास में ये इक्वेशन दी हुई है और हमें ए से बी तक की लेंथ निकालनी है। अब आप कैसे निकालते हो आप एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है, करो इसे। आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर ली होगी। अब इसको थोड़ा सा इजी तरीके से करते हैं। देखो हमें पता है सेंटर इसका ओ है और सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, यहां पर सर्कल है तो 0, 0। मैं इससे अगर इस पर परपेंडिकुलर डालता हूं और इसको ज्वाइंट करता हूं तो इट इज रेडियस जिसकी लेंथ कितनी है ए। तो आपके पास रेडियस की लेंथ आ चुकी है। अगर आप इससे इस पर परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल दो, मान लो ओ से लेकर आप एम तक की लेंथ निकाल लो, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप ए से लेकर एम तक की लेंथ निकालना चाहते हो तो यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो वैल्यू क्या बनेगी करके दिखाता हूं। देखो मुझे निकालना है ए एम, तो मैंने सबसे पहले निकाला ओ एम। ओ एम क्या होगी, ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। तो पहले लाइन की इक्वेशन क्या है, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, एक्स की जगह पर जीरो पुट करते हैं, वाई की जगह पर जीरो पुट करते हैं, प्लस सी अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर का अंडर रूट। पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन से याद करना। तो ये आ गई वैल्यू सी अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। ये लेंथ आई है ओ से एम तक की। नाउ ओ से ए तक की लेंथ मतलब रेडियस इट इज इक्वल टू स्मॉल ए। अगर मैं ए से एम तक की लेंथ निकालना चाहता हूं तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए एम ये हो जाएगा ए से एम तक की लेंथ इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एम के स्क्वायर का अंडर रूट। ओ ए का स्क्वायर इज ओ ए, ए का स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर इज सी स्क्वायर अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर इसका अंडर रूट। जैसे वन प्लस एम स्क्वायर को एलसीएम लेता हूं इट विल बिकम ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का अंडर रूट। ये सिर्फ इतनी लेंथ आई है ए से एम तक की, हमें तो कंप्लीट लेंथ निकालनी है। तो कंप्लीट लेंथ के लिए क्या करो, इसका डबल। तो ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एम मीन्स ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर, ये इसका फार्मूला आ गया हमारे पास। तो आपको बस ये ध्यान रखना है ये मेथड सबसे इजी क्यों रहता है, क्योंकि हमेशा ही अब अगर आप कोई और फार्मूला याद कर लेते हो, मान लो आपने इस फार्मूले को याद कर भी लिया, अभी तो सर्कल वो है जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। अगर सर्कल ऐसा नहीं हो करके सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो आपके पास ये प्रॉब्लम आ जाती, ये फार्मूला वहां पर फेल हो जाता। तो आपको क्या करना पड़ता, सेंटर निकालो वापस से और फिर इससे इस पर परपेंडिकुलर डालो, रेडियस आपके पास में होती। तो ये चीज निकालना ज्यादा ईजी है, तो आप हमेशा ये मेथड अप्लाई कर लेना। ओके राइट डाउन। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड दी लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट बाय द लाइन फोर एक्स माइनस थ्री वाई माइनस टेन इक्वल टू जीरो बाय द सर्कल
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो. ट्राई इट योर सेल्फ. आप लोगों ने ट्राई करा होगा. चलो देखते हैं एक बारी सॉल्यूशन. मेरे पास है सर्कल की इक्वेशन ये रही और ये मान लो लाइन जा रही है 4x माइनस थ्री वाई माइनस टेन इक्वल टू जीरो और सर्कल की इक्वेशन ये रही. तो सर्कल के सेंटर है इसका मल्टीपल इसका हाफ विद माइनस साइन तो वन, इसका मल्टीपल इसका हाफ विद माइनस साइन तो वन और माइनस टू वो आ गया. इस पर परपेंडिकुलर डाला मिड पॉइंट पर, मिड पर ही जाता है. तो O से M का डिस्टेंस निकालते हैं. तो O से M का डिस्टेंस निकालने के लिए इन दोनों पॉइंटों को यहां पर पुट करते हैं. फोर इंटू वन माइनस थ्री इंटू माइनस टू माइनस टेन अपॉन फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर का अंडर रूट. फोर वन जा फोर थ्री टू जा सिक्स. अच्छा ये भी प्लस का सिक्स और फोर टेन माइनस टेन जीरो. ओके जैसे ये जीरो आया ये खास चीज ये पता चली कि O से इस पर जो परपेंडिकुलर डाला है O से M तक का डिस्टेंस इट इज जीरो. जीरो होने का मतलब कि ये डायमीटर ये जो लाइन है ये सेंटर से ही पास हो रही है. तो जब ये लाइन सेंटर से पास हो रही है तो हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है A से B तक का डिस्टेंस. तो बड़ा सिंपल सा रूल, जो रेडियस होगी उसका डबल कर दो ये डिस्टेंस आ जाएगा. तो रेडियस क्या है? रेडियस हो गई इसका हाफ वन स्क्वायर, इसका हाफ टू स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस ट्वेंटी का अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट यानी कि फाइव. तो रेडियस फाइव आ गई. तो ए से बी तक की डिस्टेंस क्या आ गई? टू इंटू रेडियस मीन्स टू इंटू फाइव यानी कि टेन. ये लो ए से बी तक की डिस्टेंस टेन आ गई. ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था ये.